बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो मैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनी व्लॉग। आज ही हम जा रहे हैं सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है हमें, तो मैंने कहा अपने बहन भाई को दिखाती हूँ मैं क्यों जा रही हूँ और किसको लेकर जा रही हूँ। तो ये पुल क्रॉस कर रहे हैं, आज हमें लोकल जाना पड़ रहा है। तो जैसे कि जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में कहावत है कि मौत पड़ रही है, वो है हमें। तो क्योंकि हम तो जाते नहीं हैं, तो ये देखें जी हम लोग जा रहे हैं। अभी हमने रिक्शे पे बैठना है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे घर के थोड़ा सा नज़दीक भी नहीं है, दूर भी नहीं, जहां हमने पुल क्रॉस करके मतलब रिक्शे पे बैठना होता है। पहले तो हम घर से गाड़ी पे बैठते हैं तो उधर आके उतर जाते हैं, हमें इतना फील नहीं होता। तो कभी कभार जाना भी पड़ जाता है, मतलब लोकल, ये नहीं कि हमने कसम दी कि हम नहीं जा सकते, जाते हैं। आज ही जा रहे हैं सुबह सुबह, सैन को मैंने घर छोड़ा हुआ है, तो हम माँ बेटी जा रहे हैं। अभी ये सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, देखते हैं रिक्शा मेरे को मिलता है या नहीं मिलता सुबह सुबह। ये तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है, तो डॉक्टर पास जा रही हूँ मैं इसको लेके, बेटी को। तो मेरे साथ रहना, मेरी वीडियो पूरी देखना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले जी हम लोग आ गए हैं शालीमार हॉस्पिटल, हमने चेकअप वगैरह करवा लिया और बाहर निकल आए। अंदर की मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उधर गार्ड वगैरह खड़े थे, तो वो कहा तो नहीं हमें उन्होंने, लेकिन हमने खुद नहीं बनाई को, मतलब बुरा ना समझें कि आप क्यों वीडियो बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ था इसलिए मैंने नहीं बनाई। हम बाहर आ गए, ये देखें बाहर फूल वगैरह इतने प्यारे, ये थोड़ी सी मैंने दिखा दी है, ये मतलब कि बाहर निकल के काफ़ी ज़्यादा रश था अंदर, तो लाइन पे लाके हमने टोकन लिया, पर्ची बनवाई, फिर डॉक्टर को चेक करवा। अब मैंने मंडे को फिर जाना अपनी बेटी को लेके, इसका स्किन का मसला था थोड़ा सा, तो इसलिए मैं स्किन वाले डॉक्टर पास आई थी। अब लोग हम जा रहे हैं घर वापस। ये ले जी, अब हम आ गए हैं नेमत खाने में, इधर से कुछ चीज़ें लेनी थी। खैर से मेरी बेटी ने, ये बाज़ार आएँ तो ये खाली चले जाए, हॉस्पिटल आएँ बाहर आएँ, ये कह बस कुछ ना कुछ ले के जाएँ, तो अब इधर आ गए। इधर से थोड़ा सा सामान देखते हैं क्या क्या चीज़ें तो घर की खैर नहीं ख़त्म होती इनको ज़्यादा, ये खैर इनको मेरी बेटी को ज़्यादा मेकअप का होता है, मुझे मेकअप की चीज़ें ले दें, ये ले दें, वो ले दें, इस तरह की स्किन ना इनको शौक है मतलब कि मेकअप वगैरह करने का। तो मैंने कहा चलो देख लो जो जो चीज़ चाहिए, तो ये ख़रीद रही है। अब देखते हैं जी मैडम को क्या पसंद आता है। ये काफ़ी ज़्यादा कलर वगैरह लगे हुए हैं बाल कलर करने के लिए, तो मुझे कह रही मम्मा ये वाला कलर ले लो, मैं कहा मैंने नहीं लगाना। तो मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ली है, तो ये पसंद कर रही हैं चीज़ें, और देखते हैं आगे जाके क्या ले। सारी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वीडियो, मतलब कि मैं ना पीछे करके कैमरा बना रही हूँ क्योंकि सामने वीडियो नहीं बनाने देते, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी दिखा दी है। और मैं आगे जाके कुछ अब लेने कुछ और आई थी, तो ले कर कुछ और जा रही हूँ। खैर से मेरा नेमत खाने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो हॉस्पिटल आई थी, तो ये कह रही थी मम्मा अब नीम आए हैं तो नेमत खाने का भी चक्कर लगा ले। तो चलते हैं जी नेमत खाने से कुछ ना कुछ ख़रीद लेते हैं, अब थोड़ा बहुत आए तो है ही है, मतलब कि चंद चीज़ें लूँगी, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं जिस दिन शॉपिंग करने आऊँगी या सौदा वगैरह घर का राशन वगैरह लेने आऊँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। अभी मैं इस मिशन में तो आई नहीं घर से, तो ये देखे सारी चीज़ें इधर से माशाल्लाह हर चीज़ मिल जाती है, जो भी आप लोगों को चाहिए एक ही मॉल में मिलेगी आपको, तो सही है, रेट भी सही है, ज़्यादा नहीं है, बाहर की नस्बत से ठीक है। ये मैडम ने टोकरी पकड़ ली है, तो टोकरी देखें इतनी बड़ी, तो चीज़ें देखना हमारी कितनी अंदर है, चंद चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है। मैंने कुछ मतलब कि घर के राशन की चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म हुई थी, वो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, अब आई तो हूँ मैं,
वरना मैंने नहीं आना था। हुसैन को मैंने घर छोड़ा हुआ उनकी खाला के घर, वरना वो होता तो उसने कहना था ये भी ले दो वो भी ले दो, उसने उसको ये नहीं पता चलता ये क्या चीज़ है, वो बस कहेगा ये भी, जिस पे उंगली रखनी है वो उसको लेके देनी पड़ती है, इसलिए मैं उसको घर छोड़ के आई हूँ। तो आज की मेरी वीडियो सारी देखना, स्किप ना करना। तो मैं आप लोगों को सारी वीडियो दिखाती हूँ, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कर दिया करो प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो ये सारा घर की चीज़ें हैं। चले जी, मैंने सारा आप लोगों को नेमत खाना दिखा दिया, थोड़ा थोड़ा सा लिया हमने, कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा। ये आगे आगे जा रही टोकरी पकड़ के मैडम। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त जी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, कोशिश तो कर रहे हैं अच्छी वीडियो बनाएं। तो चले जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।